परसों से आए हुए हैं, कल वो प्रियंका गांधी से लंबी बैठक हुई, राहुल गांधी से भी मिले, क्या बातचीत हुई सर, आपको कुछ आप उसके बारे में बताएं। देखिए कुछ अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि जब वो अपने नेताओं के पास आए हैं तो एक कुछ पॉजिटिव एजेंडा के साथ आए होंगे, कुछ सुझाव के साथ आए होंगे, कुछ बातें उनकी होंगी, यहाँ तक कि यदि कुछ लोगों की समस्याएं लेकर के आए होंगे तो वो भी कांग्रेस की मदद ही करेगी। तो उनका आना, राहुल जी से प्रियंका जी से मिलना एक अच्छा संकेत है, और इससे चीज़ों को रिजॉल्व करने में हमें सहूलियत मिलेगी। असल में सिद्धू जी का कुछ अंदाजे बयां ऐसा है कि गुस्से में कहते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बात को दिल से कहते हैं, और उन्होंने जैसे बरगाड़ी वाला मुद्दा कहा, ड्रग्स वाला मुद्दा कहा, ट्रांसपोर्ट वाला बात कही, तो ये सब बातें जो है इवन चीफ मिनिस्टर की प्रायोरिटीज में है। चीफ मिनिस्टर ने जो प्रायोरिटीज बताई हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें उन्होंने भी इसको रखा है, और सिद्धू जी ने ये भी कहा है कि यदि ये सब हल होती हैं तो मैं पूरी तरीके से सरकार के साथ दिखाई दूंगा। तो मैं समझता हूं कि उनके अंदाजे बयां को एक तरफ रख दीजिए, उनके कहे में जो सब्सटेंस है गो बाय दैट सब्सटेंस। क्या उन्होंने कोई डिप्टी सीएम उनको बनाने का कुछ वादा किया गया है? वैसे ईश्वर के घर जब कोई व्यक्ति जाता है तो कुछ न कुछ मांगता है, तो पार्टी नेताओं के बाद भी कुछ जाते हैं तो मांगते हैं, लेकिन अब जब नेता कोई अपने नेता से कुछ कह रहा है तो मैं कैसे पूछ दूं उससे, भैया तूने क्या मांगा क्या कहा करके। हाँ, कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने सारी बातें हैं, जैसे उनका आदेश आएगा तो मैं भागे भागे ENI की शरण में आऊंगा। सर वहीं से अगर बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपने MLA से वहां पे मिल रहे हैं, मिनिस्टर से मिल रहे हैं, उससे क्या कहेंगे आप? वो एक साधारण प्रक्रिया है, चीफ मिनिस्टर ने बहुत दिनों से स्टार्ट किया है, और एक अच्छी बात है कि वो MLA से मिल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और उनके साथ जो है साग रोटी खा रहे हैं, अच्छी बात है, पंजाब का ट्रेडिशन है। सर मेरा आखिरी सवाल है, इलेक्शन के कुछ ही महीने बाकी हैं, अभी तक कोई भी सॉल्यूशन निकल नहीं पाया है, मीटिंग्स बैठक बहुत दिनों से हो रही है, लोग मिल रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आपने जिस तरीके से डेडलाइन दिया था 8 से 9 तारीख तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मैं समझता हूँ उसके आसपास ही समस्या का समाधान निकल आना चाहिए।